Next question number 14 is which polynomial is to be subtracted from x square plus 13x plus 7 to get the polynomial 3x square plus 5x minus 4. एक पॉलीनोमियल दिए उस पॉलीनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी दूसरी पॉलीनोमियल मिलेगी. नेक्स्ट है नाउ सी 11 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 5. 11 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 5. तो क्या करोगे उस 5 को इसमें ऐड करोगे ना सॉरी तो इस 5 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे देन वी विल गेट आंसर. समझ में ना 11 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 5 सॉरी तो 5 को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे. क्या करेंगे हम लोग 5 को इसमें से माइनस करेंगे. सपोज ऐसे हमने लिखा 11 माइनस x इज इक्वल टू 6 या फिर 11 माइनस x इज इक्वल टू 5 तो मुझे क्या करना पड़ेगा x फाइंड करने के लिए ये जो 5 आंसर है उसको उसको सो इसमें से 11 में से माइनस करना होगा. राइट नाउ सी यहां पे p ऑफ x टू बी पॉलीनोमियल टू बी सबट्रैक्ट फ्रॉम p ऑफ x बी द पॉलीनोमियल टू बी subtract from x square plus 13 plus 7 to get 3x square plus 5x minus 4. अब ये polynomial है, उसमें से मैंने ये minus किया मुझे ये answer मिलता है, right? So x square plus 13x plus 7 minus p of x is equal to 3x square plus 5x plus 4, right? अब ये जो यहाँ पे जो plus हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा minus हो जाएगा. So x square plus 13x plus 7 minus 3x square plus 5x minus 4 is equal to ये minus यहाँ पे plus हो गया. Now open the brackets. X square plus 13x plus 7 minus 3x square plus का minus हो minus 5x minus minus plus 4 is equal to p of x. Now see x square minus 3x square plus 13x minus 5x plus 7 plus 4 is equal to p of x. So x square minus 3x square minus 2x square plus 13x minus 5x 8x plus 7 plus 4 11 is equal to p of x. And therefore p of x is equal to minus 2x square plus 8x plus 11. Okay, p of x kya hai? Minus 2x square plus 8x plus 11. Therefore माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 11 हैज टू बी सब्ट्रैक्ट. क्या करना पड़ेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 11 को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना. आया समझ में. क्वेश्चन नंबर 15 विच पॉलीनोमियल इज टू बी एडेड टू 4m प्लस 2m प्लस 3 टू गेट द पॉलीनोमियल 6m प्लस 3m प्लस 10. क्या बताए विच पॉलीनोमियल इज टू बी is to be added. कौन से एक polynomial है 4m plus 2m plus 3 उसमें कौन सा polynomial add करने के बाद answer मिलेगा 6m plus 3m plus 10. Let p of m n, p of m n इसलिए लिया क्योंकि इसमें क्या है m और n दो variable है. जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि 11 plus what is equal to 15. 11 plus what is equal to 15. तो हम लोग क्या करेंगे greater number क्या है 15 है. दोनों को ऐड करके आंसर क्या है 15. तो 15 में से 11 अगर माइनस किया समझ में. सपोज मेरे पास 11 रुपए थे और मैंने कुछ पैसे ऐड करके तुम्हें दिए तो 15 हो गए. या फिर तुम्हारे पास 11 रुपए है मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए तो 15 रुपए हो गए. तो तुम क्या करोगे 15 में से अपने 11 निकाल लोगे राइट. तो बचा कितना 4 जो भी आंसर वो सेम ऐसे ही है. लेट p ऑफ mn बी द पॉलीनोमियल to be added to 4m plus 2m plus 3 to get 6m plus 3m plus 10. Right? Now, therefore 4m plus 2m plus 3 plus p of mn is equal to 6m plus 3m plus 10. जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल दिया है वैसे ही अगर मुझे फाइंड करना है तो टोटल में से मैं इसको माइनस करूंगा. ये मेरे ये तुम्हारे 11 है ये मेरा पैसा है और ये टोटल 15 रुपीज है. तो तुमने क्या किया इस 15 में से इस 11 को माइनस किया. Therefore, P of M is equal to 6M plus 3M plus 10. Okay? उसमें से इस पॉलीनोमियल को हम लोग क्या माइनस किया. ओपन ब्रैकेट 6M plus 3M plus 10 minus 4M minus 2M plus minus 3. समझ में आया ना? Okay? So 6M minus 4M like terms plus 3M minus 2M plus 10 minus 3. So 6M minus 4M 2M plus
3n minus 2n, n plus 7. 10 minus 3, 7. Therefore, 2n plus n plus 7 to be added to get 2. 4n plus 2n plus 3 to get 6n plus 3n plus 10. मतलब ये जो पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल का तुमने इसको ऐड किया तो यू विल गेट 6n plus 3n plus 10. Clear? And here your chapter number 3 finished with problem set. Thank you.